नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और इस खास बुलेटिन में मध्य प्रदेश के आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। तो आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली आ रहे हैं। सीएम 3 बजे राजधानी दिल्ली के छिंदवाड़ा से निकल जाएंगे, यानी राजधानी दिल्ली से छिंदवाड़ा के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। शाम को 3 बजे प्रबुद्ध जन कार्यक्रम में भी भाग लेने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ से निकलेंगे। तो यानी साफ तौर पर आज मुख्यमंत्री का विशेष दौरा राजधानी दिल्ली में रहेगा और उसके बाद शाम 3 बजे दिल्ली से छिंदवाड़ा के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ से प्रस्थान करेंगे, राजधानी दिल्ली से प्रस्थान करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज सीएम का खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम इस लिहाज से भी क्योंकि आज मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होने वाली है। मेरे सहयोगी दीपा श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपा, आज ये दौरा कितने बजे शुरू होने वाला है, कितने बजे मध्य प्रदेश से निकलेंगे मुख्यमंत्री और राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम आज होने वाला है, विस्तार से थोड़ा बताइए। देखिए, आपको बता दें कि जहाँ पर मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा आज रहने वाला है, काफी महत्वपूर्ण दिन आज का होने वाला है। हमने देखा था कि बीते अगर हम बात करते हैं कि 2 दिन पहले ही एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था जो कि सीएम हाउस में बुलाई गई थी। सीएम हाउस में तमाम विधायकों के साथ में संवाद किया गया था, चर्चा की गई थी और उनसे सभी से फीडबैक लिया गया था। इसी के साथ उनके क्षेत्र से जुड़े हुए क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को मैनिफेस्टो में जोड़ा जा सकता है, इन सभी विषयों को लेकर भी चर्चा हुई थी और इसी के साथ तमाम रणनीति जो है वो भी तैयार की गई थी। तो हमें देखने को मिल रही जो पूरी रणनीति तैयार की गई थी उससे लेकर आज मुख्यमंत्री जो है दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली में बैठक में शामिल होंगे, शिरकत करते हुए नजर आएंगे। मैनिफेस्टो कमेटी की भी बैठक होनी है, इससे भी शिरकत करेंगे और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात की मिशन जो कि मध्य प्रदेश के लिए रखा गया है तो उसकी क्या अपडेशन है, किस तरह से काम लगातार जारी है, इसको लेकर भी चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे और उसी के साथ जीत का मंत्र जो है वो दिल्ली से लेकर उसके बाद कार्यकर्ताओं को वो जीत का मंत्र जो है वो उनके द्वारा देने का काम किया जाएगा। इसके अलावा यदि बात करें इस 1 माह की तो कई बड़े दौरे हमें चाहे हम बात कर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या फिर अमित शाह की, दोनों ही लोगों के कई बड़े दौरे जो है वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। पूरे माह भर वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो लगातार राजधानी भोपाल की बात करूँ, पूरे मध्य प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पर बना रहेगा। तो इसके लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं, किन जगहों पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, इस विषय में भी आज चर्चा होती हुई नजर आएगी। जी दीपा, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि इसी तरीके से राजधानी में भी भोपाल में भी खास तौर पर कार्यक्रम रखे गए थे जिसमें लोगों से फीडबैक लिया गया, तो क्या लगता है किन मुद्दों को ज्यादा प्रमुखता मिल सकती है जो आज की मीटिंग में रखा जा सकता है मुख्यमंत्री द्वारा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कहीं ना कहीं जो महिला वोटर्स हैं उन्हें साधना एक बड़ी बात हो जाती है क्योंकि 2000 अगर हम बात करते हैं 23 में जो विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश में उसके रिजल्ट से ये बात साफ हो गई थी कि लाडली बहनाएं यानी कि जो महिलाएं हैं वो बीजेपी के साथ है और उसी के कारण कहीं ना कहीं इतने जो अच्छे वोट मार्जिन से बीजेपी को जीत हासिल हो पाई थी। तो अब ऐसे में महिलाओं को वापस से किस तरह से साधा जाए, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं खास तौर पर 2 ऐसे वर्ग है जो अब भी पार्टी से काफी खुश नहीं है। सबसे पहली बात अगर हम करते हैं तो सरकारी कर्मचारियों की और दूसरी बात यदि हम करते हैं तो युवा वर्ग की बेरोजगारी क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो ऐसे में मैनिफेस्टो में युवाओं को साधने के लिए क्या कुछ बातों को रखना है और इसी के साथ पीएम की गारंटी की जो बात कही जाती है यानी कि ऐसी वो कौन सी योजनाएं हैं जिनको अब भी जनता के बीच में ले जाना है तो इसको लेकर भी जो चर्चा है वो होती भी नजर आएगी। इस तरह के तमाम खासतौर पर सरकारी वर्ग और इसी के साथ में जो अगर हम बात करें युवाओं तो इन दोनों ही वर्गों पर सबसे ज्यादा फोकस हमें देखने को मिलेगा क्योंकि अगर महिलाओं की हम बात करते हैं तो पहले ही जीतने में बीजेपी सफल हो चुकी है। ठीक है, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रहिए और आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। जरा दर्शकों को अगली खबर सुनवा देते हैं और दिखाते हैं। आखिर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में इस बार का चुनाव अलग ही अंदाज में दिखाई देने लगा है। इन दिनों छिंदवाड़ा की राजनीति रोचक मोड़ पर नजर आती है। हर दिन कांग्रेस का कोई ना कोई नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता में शामिल हो जाता है और इसी कड़ी में छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके ने कांग्रेस का साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आहाके को बीजेपी के इस मौके पर सदस्यता दिलवाई है। ये तस्वीरें आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं।
दीपा, एक के बाद एक किला जो है कांग्रेस पार्टी का वो धराशाही हो रहा है, या यूं कह लें कि जो नींव है वो कमजोर होती जा रही है, हर पिलर जो है वो दूसरे दल में जाकर मिलने के लिए तैयार है, तो ऐसे में कैसे खड़ी हो पाएगी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सामने? देखिए, खास तौर पर अगर हम देखते हैं तो कमलनाथ पर सबसे ज्यादा टारगेट इस वक्त बीजेपी के माध्यम से किया जा रहा है। हमें देखने को मिलता है लगातार तमाम, चाहे हम विधायकों की बात करें, अभी हाल में ही अमरवाड़ा के जो विधायक थे उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली, और उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो छिंदवाड़ा के जो महापौर है वो भी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इससे ये बात कहीं ना कहीं साफ होती है कि जो हवा है ये विपरीत और बह रही है, यानी कि जहां पर अब तक छिंदवाड़ा को कमलनाथ के नाम से जाना जाता था, छिंदवाड़ा और कमलनाथ एक दूसरे के पर्याय माने जाते थे, लेकिन अब जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो बड़े लीडर्स है खासतौर पर छिंदवाड़ा से, वो सभी जिस तरह से बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं, इससे ये बात साफ हो जाती है कि अब हवा विपरीत है, यानी कि बीजेपी की हवा जो है वो अब वहां पर बहने लगी है, और कहीं ना कहीं जो ये एक चिंता का विषय कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर खासतौर पर कमलनाथ के लिए हो सकता है। हालांकि अगर बात करें तो लगातार वो अपने शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, चाहे हम कमलनाथ की बात करें नकुलनाथ की बात करें, दोनों ही लोग लगातार तमाम सभा कर रहे हैं और उसके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज भी छिंदवाड़ा में कमलनाथ और अगर हम बात कर ले कांग्रेस तो दोनों ही काफी ज्यादा मजबूत है। वहीं दूसरी ओर जहां पर बीजेपी अपना मिशन 29 को लेकर चल रही है, जिसमें 28 सीटें ऑलरेडी उनके पास थी, उन पर तो वो जीतना ही चाहती है, लेकिन इसके साथ 29वीं सीट यानी कि छिंदवाड़ा पर इस बार विशेष हमें फोकस देखने को मिल रहा है, और इस फोकस के तहत ही लगातार लोगों को यानी कि छिंदवाड़ा के जो भी बड़े लीडर्स हैं उन सभी को बीजेपी में ज्वाइन कराया जा रहा है, और इस बीच आज एक बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस को और कमलनाथ को लगा है। छिंदवाड़ा के जो महापौर है उन्होंने भी आज बीजेपी की सदस्यता ले ली है, खुद मुख्यमंत्री और डीडी शर्मा जो है उन्होंने ये सदस्यता उन्हें दिलाई है, और उनके साथ में अगर बात करते हैं तो जो सभापति है उन्होंने भी सदस्यता ली है, और उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता जो है छिंदवाड़ा से वो सभी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ये जिस तरह से लगातार ये क्रम जारी है इससे ये बात साफ होती है कि कहीं ना कहीं जो लोगों को कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में जोड़ने के माध्यम से बीजेपी कहीं ना कहीं कमलनाथ को तोड़ना चाहती है, और यही कारण है कि लगातार ये अभियान, विशेष अभियान जो है वो बीजेपी के माध्यम से चलाया जा रहा है। एक सवाल ये भी निकलता है कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी की जो ज़मीन है वो धीरे धीरे सरक रही है और पार्टी में जो एकता है वो दरक रही है, और इसका फायदा साफ तौर पर मुखरता के साथ बीजेपी को मिल रहा है। क्या कांग्रेस काबिल नहीं है इस चीज को संभाल पाने में? देखिए, अगर हम बात करते हैं जिस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति की अगर हम बात करें तो ये एक वर्ग है जो हमेशा जिस और हवा होती है उस और ये जाने का काम करते हैं, यानी कि यूं कहें जिस तरफ पानी का बहाव होता है उसी तरफ ये जो लोग हैं वो जाते हैं। अब से कुछ समय पहले की यदि मैं बात करती हूँ, यानी विधानसभा चुनाव की, ये तस्वीरें हमारे सामने थी जब कांग्रेस कार्यालय पे जो लोग हैं उनका हुजमा लगा होता था, लगातार रोज कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचते थे, कई बड़े लीडर्स जो थे उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी, क्योंकि उस समय सभी को ये लगता था कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होने वाली है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, एक बड़ी हार का सामना जो है कांग्रेस को करना पड़ा, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफी ज्यादा हताश हुए, जो कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा निराश हुए, और उसके बाद जो संगठन लगातार कांग्रेस का टूटता हुआ नजर आ रहा था उसे कांग्रेस बचाने में, उसे मजबूत करने में कहीं ना कहीं विफल रही है, और यही कारण है कि अब जो लोग हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं का यही कहना है, यही कहे कि जो भी नेता है उनका यही कहना है कि कांग्रेस में लगातार जो कार्यकर्ता है, जो काम करने वाले लोग हैं उनकी उपेक्षा की जाती है, इससे लगातार लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपा। और इसी पर यानी मेयर ने ज्वाइनिंग कर ली है बीजेपी, और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, अब आपको जरा वो भी सुनवा देते हैं। कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है, और जिसे कल नकुलनाथ जी ने मान किया था आदिवासी अंचल का, कौन समाज के राज परिवार गहराई के लिए है, सारी का जन सुनने बेईमान गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना ही होता, शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई ने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है, तो आज मैं अपनी कांग्रेस छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम भाके जी और नगर निगम के अध्यक्ष, कई पार्षद जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनका तो स्वागत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी परिवार में। और हमने पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ एक्सपोज हुए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अंदर
कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ का आवास तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भ्रष्टाचारी करप्शन नाथ कमलनाथ आज छिंदवाड़ा की जनता में, जनप्रतिनिधियों में, और जो हमने कहा था कि छिंदवाड़ा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़, तो आज वहां की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार कमल का फूल छिंदवाड़ा में खिलेगा। प्रदेश और प्रदेश आदरणीय मोदी जी आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में बढ़ा है और सभी वर्गों को एक साथ लेने का काम सर्वस्व विकास सबके साथ सत्ता विकास के रूप में काम करने को लेकर आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय मोहन यादव जी चल रहे हैं। हम उनके कार्यो से, उनके गतिविधियों से, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर हम भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का नेतृत्व में काम करने का। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के आदेश पर धार की ऐतिहासिक भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI विभाग का सर्वे 11वें दिन भी जारी रहा, जहां कल दिल्ली और भोपाल के अधिकारियों की 25 सदस्यीय सर्वे टीम ने करीब 8 घंटे सर्वे का काम किया। वहीं आज फिर सुबह ASI टीम सर्वेक्षण के लिए भोजशाला परिसर पहुंची है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में चुनावी पारा बढ़ता ही जा रहा है। खरगोन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें पूर्व विधायक रवि जोशी, खरगोन लोकसभा प्रभारी जय सिंह ठाकुर देवास और कांग्रेस उम्मीदवार पूर्णलाल खरते मौजूद रहे। इस दौरान पूर्णलाल खरते ने खरगोन में कांग्रेस की जीत की जनता की जीत बताया। कार्यकर्ता सम्मेलन में मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्णलाल खरते ने कहा कि कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ रही है और मोदी लहर को सिरे से नकारते हुए उन्होंने कहा कि खरगोन में नरेंद्र मोदी नहीं गजेंद्र सिंह पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। आपने बोला कि लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, वास्तव में ये बड़ा चुनाव होता है और देश की जो बड़ी पंचायत है दिल्ली लोकसभा, उस सदन में जाके बात रखना एक अपने आप में गौरव की बात होती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पे विश्वास करके कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, तो उसकी जो तैयारी है उसकी तैयारी हम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, हमारे क्षेत्र के जितने बड़े लीडर हैं, जिसमें माननीय श्री अरुण यादव जी हैं, माननीय श्री रवि जोशी जी हैं, माननीय श्री बाला बच्चन जी हैं, माननीय सुश्री विजय लक्ष्मी साधो जी हैं। और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बेड़ान बाजार में किराने की दुकान चला रहे सुरेश जायसवाल की पत्नी अंजू जायसवाल और उनके बेटी पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। वहीं बेटी घायल बताई जा रही है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर तैनात हो जाता है और मामले की जांच में जुट जाता है। भगवानपुरा में शीतला सप्तमी का पर्व मनाया जा रहा है, जहां महिलाएं माता को मनाने के लिए थाल सजाकर मंदिर पहुंच रही हैं। वहीं घर पर बना भोजन हो और शीतला माँ को चढ़ाया जा रहा है, यानी घर पर जो भोजन बनाया जा रहा है उसको शीतला माँ को चढ़ाया जा रहा है ताकि माँ का मन शीतल रहे। हमारे सहयोगी तिलोक मालवीय ने पूजा करने आई महिलाओं से इस मौके पर खास बातचीत की है। शीतला माता के मौके पर सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है। शीतला माता मंदिर में जहाँ महिलाओं द्वारा शीतला सप्तमी का पर्व मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है, यही हम जानेंगे महिलाओं से। हमारे साथ तमाम महिला मौजूद है जो पूजा पाठ के लिए आई हुई है मंदिर में, इनसे ही जानेंगे कि आखिर शीतला सप्तमी का पर्व क्यों मनाया जाता है और इससे पीछे रहस्य क्या है। शीतला सप्तमी अपन ये बच्चों के लिए सुख शांति में रहे, शांति रहे घर में, इसलिए बनाते हैं शीतला सप्तमी। बच्चों की सुख शांति और परिवार में सुख शांति और मन में शीतलता लाने के हिसाब से ये पर्व मनाया जाता है। और भी हमारे साथ महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे। बच्चों के लिए और परिवार के लिए मनाया जाता है, सुख शांति के लिए मनाया जाता है। ठंडे भोजन के लिए पूरा ठंडा भोजन किया जाता है, सुबह रात को ही भोजन बनाकर ठंडा करके, और माता के पास ना ही कोई दीप जलता है ना ही कोई अगरबत्ती जलती है। अब मैं कैमरामैन बोलना चाहूँगा कि किस प्रकार से पूजा पाठ चल रही है दिखाया जाए। किस प्रकार से माता का श्रृंगार चढ़ाया जाता है, ठंडा भोजन भी चढ़ाया जाता है साथ में, और
ठंडा जल चढ़ाकर माता को शीतल किया जाता है, उसी प्रकार से मन को शीतल किया जाता है। हमारे साथ पंडित जी भी जुड़े हुए हैं। माता जी कैसे मनाता है? सीता माता को उपास रहते हैं, शेरवान बनाओ, भाइयों पूजा पाठ करना, और बच्चे के लिए भी मान मानती है कि मेरा बच्चा भी अच्छा रहे, परिवार भी अच्छा रहे, इसलिए शीतला माता को मानते हैं। ये हथेला का मतलब क्या है? हथेला का मतलब ये है कि पांच पांच हाथा देना पड़ता है, ऐसा सब भाई बहन देती है सबकी सब ऐसा। किस चीज क्या क्या चीज चढ़ती है माता को? माता को सब चढ़ती है, कुकू हल्दी चावल नारियल, फिर अपना ताऊ, फिर अपना चुन्नी होन, सब चढ़ा ना भगवान के मन को शीतलता के हिसाब से। पर हाँ, मन के शीतलता से के तो अपना मन से सब जो भी चढ़ा वो चढ़ा सकते हैं, ऐसा चने की दाल भोजन जो बनाए वो भी लागती होन भाई होन ऐसा वो भी चढ़ाती है। किस प्रकार से पूजा पाठ चल रही है और मन को शीतलता के हिसाब से लाने के लिए शीतला पर्व शीतला माता सप्तमी को ही मनाया जाता है। कैमरा मैन ठाकुर के साथ TV 27 न्यूज़ भगवानपुरा।